ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रिटेन के बर्किंगहम पैलेस ने उनके निधन की घोषणा की है। बर्किंगहम पैलेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि बहुत दुख के साथ महारानी ने अपने पति हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबरा के निधन की घोषणा की है। प्रिंस फिलिप ने विंडसर पैलेस में आज शुक्रवार आखिरी सांस ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने अनगिनत युवाओं के जीवन को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय में बात करते हुए कहा कि उन्होंने शाही परिवार और राजतंत्र को इस तरह दिशा दी जिससे शाही परिवार हमारे राष्ट्रीय जीवन की खुशियों में संतुलन बनाए रखने के लिए निर्विवाद रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था बना रहा। प्रिंस फिलिप और राजकुमारी एलिजाबेथ की शादी 1947 में हुई थी। 5 साल के बाद 1952 में राजकुमारी एलिजाबेथ महारानी बन गई थी। इसी साल मार्च के महीने में ड्यूक ऑफ एडिनबरा एक महीने तक अस्पताल में रहने के बाद शाही महल में लौटे थे। लंदन के सेंट बार्थोलोमियो अस्पताल में उनकी पहले से चली आ रही दिल की बीमारी का इलाज हुआ था। प्रिंस फिलिप और महारानी के 4 बच्चे, 8 पोते-पोती और 10 पड़पोते-पड़पोती हैं। उनके बड़े बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स का जन्म 1948 में हुआ था। प्रिंस चार्ल्स के बाद 1950 में उनकी बहन राजकुमारी एनी का जन्म हुआ था। उसके बाद ड्यूक ऑफ यार्ड प्रिंस ड्यूक का जन्म 1960 में और अर्ल ऑफ वेसेक्स प्रिंस एडवर्ड का जन्म 1964 में हुआ था। प्रिंस फिलिप का जन्म ग्रीस के कोर्पू द्वीप में 10 जून 1921 को हुआ था। प्रिंस फिलिप के पिता प्रिंस एड्यूस ग्रीस और डेनमार्क के राजकुमार थे। प्रिंस फिलिप की मां राजकुमारी एलिस लुइस माउंटबेटन की बेटी और महारानी विक्टोरिया की पड़पोती थी।